हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगमीत आज आपके लिए ले आया है ये ब्रांड न्यू 4 BHK विद माउंटी नॉर्थ फेसिंग का घर, जो कि सेक्टर 125 न्यू सनी इनक्लेव की लोकेशन में दोस्तों रहने वाला है। गोपाल स्वीट्स VR मॉल 200 फुट एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नियर बाय की ये लोकेशन है दोस्तों। 25 फुट का इसका फ्रंट रहने वाला है और 50 फुट की इसकी लेंथ आ जाएगी दोस्तों। फ्रंट रोड इसका 35 फिट का रहेगा। काफ़ी अच्छे फ्रंट एलिवेशन के साथ ये घर तैयार किया गया है। प्रॉपर टाइल वर्क मिल रहा है हमको सारे ही एलिवेशन एरिया में, आप देख सकते हैं। और स्लाइडिंग गेट हमको इसमें मिल रहा है, साथ में हमारी ये एंट्री आ जाएगी। जो हमारा कार पार्किंग में भी देखेंगे, प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया गया है पूरे ही पार्किंग एरिया में। और ये सामने आप देख सकते हैं एलिवेशन में भी बहुत ही सुंदर टाइल वर्क किया गया है। और वेलकम वॉल पे भी हमारा बहुत सुंदर वुडन वर्क किया गया है, उसमें लाइटनिंग की गई है जो कि काफ़ी सुंदर इसमें डिज़ाइनिंग के साथ फिनिशिंग के साथ तैयार किया गया है। स्टेयर्स घर के बाहर से ही है दोस्तों, स्टेयर्स के नीचे भी हमको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रही है। और साथ में ये आप मेन एंट्रेंस पे भी देख सकते हैं, प्रॉपर हमको एक जाली का डोर मिल रहा है और साथ में एक हैवी वुडन पॉलिश डोर इसमें हमको मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ के साथ ये डोर तैयार किया गया है। और घर एंटर करते ही हमारा आ जाता है दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी डाउन सीलिंग मिल रही है हमको वुडन डिज़ाइंस के साथ। जो सामने की वॉल है उस पर भी बहुत सुंदर 3D वॉलपेपर लगाया गया है। और ड्राइंग डाइनिंग एरिया में देख सकते हैं सामने की तरफ दो विंडोज़ मिल जाती है, एक बड़ी विंडो एल शेप में और उसके साथ में एक छोटी विंडो आ जाती है। बहुत ही सुंदर डे लाइट रहती है घर में। और ड्राइंग डाइनिंग एरिया में ये सामने की तरफ हमको एक LED पैनल मिल रहा है और साथ ही में इसमें क्रॉकरी रखने की भी हमको स्पेस दी गई है दोस्तों। और बिल्कुल डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट तरफ हमारा आ जाता है मॉड्यूलर किचन। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है हमारे किचन एरिया में। जो हमारा किचन टॉप भी है वो भी काफ़ी सुंदर वाइट ग्रेनाइट इसमें लगाया गया है दोस्तों। गैस की पाइप इंटरनली फिटेड है, सिलेंडर आपका बाहर स्टेयर्स के नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो ये था इसका किचन एरिया। चलते हैं इसके पहले बेडरूम में दोस्तों। बेडरूम का जो साइज़ रहने वाला है वो है 12 फिट बाय 15 फिट का, इंक्लूडिंग कपबोर्ड्स ये साइज़ रहेगा दोस्तों। प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है हमको बेडरूम्स में और रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग कपबोर्ड्स आप देख सकते हैं। और साथ ही में ये राइट हैंड साइड में इसका ड्रेसिंग एरिया भी दिया गया है और LED पैनल भी हमको इसमें मिल रहा है काफ़ी अच्छे साइज़ में। और साथ ही इसका आ जाएगा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर 2x4 की वॉल टाइल्स यूज़ की गई है, जो कि प्रॉपर रूफ तक लगी इसमें हमको मिल रही है। तो ये था इसका पहला बेडरूम दोस्तों। चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम का भी जो रूम साइज़ रहने वाला है वो 12.5 फिट बाय 15 फिट का रहेगा दोस्तों। इसमें भी हमको डाउन सीलिंग मिल रही है, रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिल जाते हैं, स्लाइडिंग कपबोर्ड्स, बैक वॉल पे वॉलपेपर मिल रहा है और एक बड़ा LED पैनल मिल रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे रूम स्पेस इसमें हमको मिल रही है दोस्तों। नॉर्थ फेसिंग का ये घर है सेक्टर 125 में जलवायु टावर के पास। जो इसकी डिमांड है दोस्तों वो है 1.10 करोड़ की डिमांड रहेगी, बाकी मौके पे नेगोशिएबल रहेगी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बैक साइड का वॉशिंग एरिया, इसमें भी प्रॉपर टाइल वर्क किया गया है और हमारा एक एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए इसमें स्पेस भी दी गई है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। स्टेयर्स इसके घर के बाहर से ही थी दोस्तों और स्टेयर्स पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टेयर्स के साइड में भी काफ़ी सुंदर लाइटनिंग की गई है। और फर्स्ट फ्लोर आते ही हमारा आ जाता है बालकनी एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है दोस्तों। आप अपनी मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पे बैठ के अपना अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों, अपनी मॉर्निंग टी यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर की एंट्री में भी राइट साइड में और देख सकते हैं टाइल वर्क और वुडन वर्क दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर की एंट्री पे भी हमको एक प्रॉपर मैच डोर मिल रहा है, हैवी वुडन डोर जिस पे बहुत ही सुंदर पॉलिश के साथ फिनिशिंग की गई है दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते ही हमारा सेम टू सेम पोर्शन जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग हमको इसमें मिल रही है, मेन वॉल पे वॉलपेपर और एक सामने की तरफ हमारा एक बड़ा LED पैनल इसमें दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो इसी के साथ में हमारा इसका आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर का मॉड्यूलर किचन। इसमें भी हमको फुली मॉड्यूलर किचन मिल रहा है जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, सेम एज इट इज़ हमको फर्स्ट फ्लोर पे भी दिया गया है दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छी ये ऑप्शन रहने वाली है दोस्तों
सेक्टर 125 में 4 BHK विद माउंटी के घर रहने वाला है। सेक्टर 125 न्यू सनी इनक्लेव जलवायु टावर के बिल्कुल साथ में ये प्रॉपर्टी है। इसकी विजिट के लिए दोस्तों डिटेल जानने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस पे कॉल करके इस घर की विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ इसमें काम किया गया है। 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे बिल्टअप है, 2 BHK ही इसके फर्स्ट फ्लोर पे बिल्टअप है और स्टेयर्स आपकी फ्रंट से ही टॉप टेरेस तक जा रही है। अगर आप फ्यूचर में अपना सेकंड फ्लोर भी बनाना चाहते हैं वो भी आप इजीली इसमें बना सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स की प्रोविज़न ऑलरेडी फ्रंट से ही इसमें दी गई है। 140 गज का नॉर्थ फेसिंग कवर्ड 2 कार पार्किंग के साथ ये घर आपको मिल रहा है दोस्तों। 1 करोड़ 10 लाख की डिमांड है इसकी, बाकी डिमांड है ये 1-10 की मौके पे नेगोशिएबल हो जाएगा दोस्तों। सभी ही बैंकों से लोन इस प्रॉपर्टी पे अवेलेबल रहेगा। नक्शा पास ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, MC खरड़ से इसका नक्शा पास है। प्रॉपर इसमें सरकारी बिजली का मीटर लगा हुआ है, MC के वाटर की यहाँ पे सप्लाई है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, इसके हम सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं। सेकेंड फ्लोर पर इसकी माउंटी बनी हुई है, स्टेयर्स छत तक जारी है। तो जल्दी से दोस्तों इस घर की डिटेल जानने के लिए हमें कॉल करें, विज़िट करने के लिए कॉल करें। और अगर आपको ये घर की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।